गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, मैं रेडी हो गई, ये वाली साड़ी डाली है मैंने। और मैं कहाँ जा रही हूँ, आज मेरी बहन की एंगेजमेंट है, गोद भराई है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। और ये वाली साड़ी मेरी नंद की शादी की है, तो मैंने ये वाली साड़ी डाल ली। और बस अब निकल रहे हैं, तो टाइम काफ़ी हो गया है, मम्मी के चक्कर में वेट करते करते 4 बज गया है, तो अब निकल रहे हैं हम लोग। और मैंने कहा चलो मम्मी आ जाए तभी जाएंगे, अब उन्हीं के संग जाएंगे, उन्हीं के संग आएंगे। और हमारे कुछ घर पे गेस्ट हैं, वो भी देखो जाते हैं या नहीं जाते हैं, देखते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर रास्ते में। और मैं कैसे लग रही हूँ देखिए, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। चलिए फिर रास्ते में ही मिलते हैं। हेलो गाइस, ये मानू तो हम लोग पहुंच गए, बट टाइम से नहीं पहुंचे। देख सकते हैं गोद भराई का सामान रखा है सारा, और गोद भराई हो चुकी थी जब तक हम लोग गए थे। और ये देखिए रिंग है, तो रिंग ना थोड़ी ढीली थी, तो हम लोग ने यहाँ पे कलावा थोड़ा सा लपेट के थोड़ी टाइट करी है। और उसके बाद मैं ना रिंग का जो है वीडियो बना रही थी, बट वीडियो नहीं बना, खाली पिक्चर क्लिक हो पाई, तो बस मैंने सोचा चलो वही दिखा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए एंगेजमेंट की जो रस्म है वो भी अब शुरू होने जा रही है। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा म्यूजिक लगा देती हूँ, क्योंकि म्यूजिक तो बज रहा था बहुत अच्छा, बट मैं सुना नहीं सकती हूँ, तो यहाँ पे खुद का थोड़ा सा म्यूजिक लगा रही हूँ। और हाँ, ये ना मेरे मामा की लड़की है, मतलब छोटी बहन है मेरी, मामा मामी की लड़की। तो हमारे भाई की शादी हुई, उसके बाद ये इसी का नंबर था, तो बस अब इसी की हुई है, दूसरे नंबर पर यही थी। और यहाँ पे ना गाना सॉन्ग बज रहा था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, ये वाला सॉन्ग बज रहा था, लेकिन मैं ना सॉन्ग सुना नहीं सकती, इसलिए मैं यहाँ पे सॉन्ग मतलब अपना म्यूजिक लगा दूँगी। और ये गाना खासकर सब में ही बजता है ना, मेरी शादी में भी यही गाना बजा था, मतलब जब इनके जयमाला पहनाई जाती तब। तो यहाँ पे देखिए शुरू हो रहा है रिंग का प्रोग्राम, तो चलिए अभी मैं म्यूजिक लगा देती हूँ यहाँ पर।
और यहाँ पे ना डांस चल रहा था, तो मानू का भी डांस हुआ था लेकिन मैं सूट नहीं कर पाई थी, उस समय हम खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे डांस कर रहे हैं मेरा छोटा भाई है जो सागर, तो उसकी वाइफ है, और मानू है जिसका इंगेजमेंट है, उनके देवर हैं। तो ये देवर हैं, तो यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे, और लोगों ने भी किया था, मैं ज़्यादा सूट ही नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर मैं खाना खाने चले गए थे हम लोग, क्योंकि हम लोग को जल्दी जाना था घर। तो जैसे ही खाना शुरू हुआ फिर हम लोग खाना खाने चले गए थे, और उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं शूट किया, थोड़ा बहुत ही किया। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचे जा रहे थे सबके, तो मैंने थोड़ा सा पास से दिखा रही हूँ। और खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग फिर घर चले गए थे, और ज़्यादा लेट तक प्रोग्राम तो काफ़ी टाइम तक चलता रहा, लेकिन खाना अगर जब जल्दी शुरू हो गया तो हमने सोचा चलो जल्दी हो गया है तो फिर जल्दी ही चलना चाहेंगे घर, फिर लेट हो जाएंगे क्योंकि घर पे भी गेस्ट रुके हुए थे, तो इसलिए फटाफट हम लोग खा रहे हैं खाना। खा लेंगे, मैं दर्द हो रहा था ना कमर में, तो मैंने कहा बैठ जाऊं थोड़ी देर। क्यों अद्दू, कम 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 अद्दू, कम अद्दू, कम खुशी, कम कम अद्दू, क्या कम। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, यहाँ पे टमटम कर रहे हैं हम लोग। 6:30 बजे तक घर पहुँच गए थे, टाइम से हम लोग ने खाना खा लिया था ना, तो जल्दी ही फिर निकल गए थे घर के लिए, लेट हो जाते वरना। तो हम लोग आ गए हैं अभी, जस्ट घर अभी आए हैं, और अभी टाइम हो रहा है 6:30 का टाइम हो रहा है, मतलब वहाँ से निकल गए थे हम लोग टाइम से, 6:30 बजे तक अपना घर पर आ गए हैं टाइम से। दिन दीवारे खा लिया पी लिया जल्दी हम लोगों ने, हमने कहा जल्दी घर पहुँचें क्योंकि ठंडों का टाइम है, फिर टमटम वगैरह मिले ना मिले इस वजह से। तो जस्ट हम लोग आ गए हैं अभी, और बच्चे खेल रहे हैं बाहर, तो चलिए कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। देखो हमारे यहाँ रात में बिना आगे के बैठे बैठे तो चाय पी रहे हैं। कौन कौन बैठ हुआ, ताई बैठी है, भावा बैठी है, मौसी बैठी है, डॉक्टर डॉक्टर ना, ये सूट का ज्यादा चाड़ो इनको लगा है, ले आना इसे। कौन है, मौसी है, बहुत लोग है ना, कितने सारे लोग देख रहे हैं, देखो एक भैया बता रहा है। चाय बनाई हम लोग ने रात में, और चाय पी रहे हैं बैठ के, और यहाँ पे मेरी नंद और नंदोई गोलगप्पे खाने गए थे, तो हमारे लिए गोलगप्पे लेके आए पैक करा के, तो अभी खाएंगे हम लोग थोड़ी देर में। और बस बच्चों को फ़ोन दे दे रही हूँ, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ वरना ब्लॉग लंबा हो जाएगा। ये देखो बैठे हैं बंदर जी, बाबू को फ़ोन चाहिए, चलिए फिर फ़ोन दे देती हूँ।